वेलकम टू निधिस किचन। आज हम बनाएंगे काजू कतली। इस मिठाई को काजू बर्फी भी कहा जाता है। काजू कतली एक पारंपरिक भारतीय मिठाई है। त्योहारों में हो या शुभ समय पर काजू कतली काफी लोकप्रिय मिठाई है। इस मिठाई को आप घर पर ही बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। सिर्फ 3 चीजों से ये मिठाई बन करके तैयार हो जाती है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 1 कप काजू ले लेंगे। लगभग 150 ग्राम काजू मैंने लिया है। काजू को हम अच्छे से मिक्सर जार में ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लेंगे। इस तरीके से पाउडर बना लीजिए। अभी हम गैस पर एक पैन को गर्म करने के लिए रख देते हैं। आधा कप चीनी ऐड करेंगे, 1/4 कप पानी ऐड करेंगे। चीनी को अच्छे से पिघलने तक चलाते हुए इसको पकाएंगे। इसमें ज्यादा समय नहीं लगता है, सिर्फ 5 से 7 मिनट में ये बन करके तैयार हो जाता है। एक तार वाली चाशनी बना करके तैयार करनी है। ज्यादा समय भी नहीं लगता है क्योंकि हमने चीनी की मात्रा से कम पानी का इस्तेमाल किया है इसमें, तो चाशनी जल्दी ही बन करके तैयार हो जाएगी। एक तार वाली चाशनी से अधिक तार वाली चाशनी ना बनाए। अभी हम इसमें काजू का पिसा हुआ पाउडर ऐड करेंगे। अच्छे से इसको चला देंगे। अभी हम इसमें 1 बड़ा चम्मच दूध ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर दूध नहीं भी डालेंगे तभी भी आप बहुत ही स्वादिष्ट काजू कतली बना करके तैयार कर सकते हैं। अच्छे से मिला देंगे और धीमी आंच पर चलाते हुए गाढ़ा होने तक काजू के मिश्रण को पका लेंगे। काजू कतली बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई है और ये मिठाई सभी को पसंद भी आती है और जल्द से जल्द बन करके तैयार भी हो जाती है। सिर्फ 3 चीजों से आप इस मिठाई को घर पर बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। चाशनी बनाते समय ध्यान रखिएगा कि सिर्फ 1 तार वाली ही चाशनी बनाए, ज्यादा गाढ़ी चाशनी ना बनाए। ज्यादा गाढ़ी चाशनी बनाने से बर्फी सख्त हो सकती है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। अच्छे से धीमी आंच पर काजू के मिश्रण को चलाते हुए इस तरीके से भूने। ये गाढ़ा हो चुका है। अभी हम इसमें 1/4 टीस्पून इलायची का पाउडर ऐड करेंगे और अच्छे से मिला देंगे ताकि बढ़िया सा इलायची फ्लेवर हमें काजू कतली में मिले। अभी हम 1 छोटी चम्मच घी ऐड करेंगे। अच्छे से घी को मिला देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए धीमी आंच पर इसे पकाएंगे। साइड्स में घी छूटने तक इसको अच्छे से गाढ़ा होने तक पकाए। देखिए इस तरीके से काजू का मिश्रण पैन से अलग होने लगेगा। इसी तरीके से अच्छे से पका लीजिए। ये बनकर तैयार हो चुका है। इस तरीके का कंसिस्टेंसी होनी चाहिए काजू की बर्फी बनाने के लिए। ये तैयार हो चुका है, हम गैस ऑफ कर देते हैं। अभी हम इस मिश्रण को ग्रीस किए हुए बटर पेपर पे ट्रांसफर कर देंगे। बटर पेपर को हमने पहले से ही घी लगा करके ग्रीस कर लिया था। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप किसी प्लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लेट को अच्छे से घी लगा करके ग्रीस कर लीजिए। अभी ये मिश्रण काफी गर्म है, आप इस मिश्रण को ठंडा होने के लिए प्लेट में रख दीजिए। मेरे पास बटर पेपर का इस्तेमाल किया है मैंने, तो बटर पेपर की मदद से इसको अच्छे से ठंडा कर रही हूँ। जब मिश्रण इतना ठंडा हो जाए कि आप हाथ से इसको अच्छे से शेप दे सकते हैं, तब तक आप इसको अच्छे से ठंडा होने के लिए रख दीजिए। ये थोड़ा ठंडा हो चुका है। अभी हम एक बेलन की मदद से इसको अच्छे से बेल करके तैयार कर लेंगे। बेलने से पहले आप थोड़ा सा घी बेलन पर भी लगा दीजिए ताकि ये बेलन काजू कतली पे चिपके नहीं। हमने अच्छे से बेल करके तैयार कर लिया है। अभी हम इसके साइड्स को कट कर देंगे ताकि डायमंड शेप में जब हम काजू कतली को कट करेंगे तो परफेक्ट शेप आए इसके। काजू कतली के मिश्रण को आप बेलते समय 1/4 सेंटीमीटर पतली पट्टी बेल करके तैयार कीजिए।
थिकनेस के लिए, या फिर अपने पसंद के अनुसार भी इसका थिकनेस कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अभी हम इसको अच्छे से डायमंड शेप में कट करके तैयार कर लेंगे। काजू कतली को सिल्वर वर्क से सजाया जाता है। अगर आपके पास सिल्वर वर्क हो तो आप कट करने से पहले अच्छे से सिल्वर वर्क से इसको कवर कर दीजिए। इसके बाद फिर अच्छे से इसको इस तरीके से चौकोर या फिर डायमंड शेप में कट करके तैयार कर लीजिए। स्वादिष्ट काजू कतली की मिठाई घर पर ही बना लीजिए। बाज़ार से भी अच्छी मिठाई आप घर पर बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। मुझे इस मिठाई को बनाने में लगभग 15 से 20 मिनट का समय लगा है। हमने अच्छे से काजू कतली को डायमंड शेप में कट कर लिया है। अभी हम सिल्वर वर्क का इस्तेमाल करके इसको गार्निश करेंगे। मैं थोड़ा सा ही सिल्वर वर्क का इस्तेमाल कर रही हूँ, मुझे ज़्यादा सिल्वर वर्क पसंद नहीं है। इसलिए अगर आप पूरा कवर नहीं करना चाहते हैं काजू कतली को सिल्वर वर्क से, तो इस तरीके से भी आप सजा सकते हैं। स्वादिष्ट काजू कतली की मिठाई बन करके तैयार हो चुकी है। इस बार आप त्यौहार में ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे कॉमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तभी के लिए धन्यवाद।